गुब्बारे का क्या फायदा? देखिए जिला गुब्बारे आगे ले आइए। तो श्री सितारा जी और श्री मकान से किसी क्रम में बच्चों को निकाले जो क्रम पहले दिन निर्धारित है। यहाँ पीछे गुब्बारे पीछे गुब्बारे पीछे ले आओ। अभी अभी आगे ट्रैफिक खड़ा है। जिलाधिकारी महोदय हरी झंडी दिखाएंगे और हरी आपसे तो आराम हो जाएगी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जिलाधिकारी महोदय इन गुब्बारों को हवा में भेज रहे हैं और इन पर एक मैसेज है जिसको सभी मतदाता पढ़ेंगे और जागरूक होंगे और अपने मत का प्रयोग करेंगे। आज 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। ठीक है, ये और अच्छी बात है। चलिए ये अंदर बच्चे ईंट मार रहे हैं, इनको रोके। अंदर जो अध्यापक है इन्हें बच्चों को रोके ईंट मार रहे हैं। ये अंदर के जो बच्चे ईंट मार रहे हैं इनको रोके। ये कौन बच्चे ईंट मार रहे हैं? रैली प्रारंभ हो चुकी है। जिलाधिकारी महोदय ने हरी झंडी दिखा के रैली का शुभारंभ किया। सबसे आगे राजकीय इंटर कॉलेज अमरोहा के छात्र हैं। चलो बड़ा एक अरे आगे चलो जल्दी से। शर्मा देवी कन्या इंटर कॉलेज, आले अहमद गर्ल्स इंटर कॉलेज, जो कि श्रृंखला है एक ही लाइन में चलेंगे, बहुत तेज नहीं चल पाएंगे। आगे बढ़ाते कृष्णा गौर मंदिर इंटर कॉलेज, आठवीं गर्ल्स डिग्री कॉलेज, ओ मेरे जाओ।
मैडम आगे चलो, मैडम आगे आगे हो जाओ, आगे चलो। ये हमारे राजधर्म को निभाने में एक बाधा है।
मतदान से बड़ा कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। हम कितनी आसानी से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, कितनी आसानी से हम इसको अपना जन्म से अधिकार समझते हैं, उससे भी बड़ा कर्तव्य कि हम अपने लिए मतदान के दिन राष्ट्रीय स्तर से रहता है, चाहे कोई व्यापारी संगठन हो या कोई भी प्रतिष्ठान हो, सभी राज्य द्वारा बंद रहते हैं। आपको किसी तरह का बहाना करना, आपको ये अधिकार कितनी आसानी से मिलता है उसको दायित्व का निर्वहन करना, यह आपका परम कर्तव्य है। 18 वर्ष की उम्र होते ही हम आसानी से एक मतदाता बन जाते हैं, उसके बाद भी हम केवल अपना राशन बनवाने के लिए, राशन कार्ड बनवाने के लिए केवल उसका उपयोग करते हैं। जिस दिन मतदान होता है उस दिन हम तरह तरह के बहाने करते हैं। तो यह अनुरोध है हम आपका, राज्य निर्माण के लिए लोगों ने करवानी थी, हम केवल उसको स्वस्थ बनाने के लिए, अपने राज्य के प्रदेश को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हम दो दिन या दो एक घंटे का या दो घंटे का समय नहीं दे सकते। एक मिनट देखिए, माननीय जिलाधिकारी आपको संबोधित कर रहे हैं। उसके लिए जितने भी लोग हैं, जितने यहाँ पर हैं, उस सबके सबसे एक ही गुजारिश है कि अपने यहाँ पर मतदान जरूर करें, जरूर उस दिन जाएं और अपना वोट जरूर कास्ट करें। मतदाताओं के लिए जाने वाले सब लोगों के लिए हम फिर वही बात करेंगे, एक लाइन से बोलेंगे कितने अधिकारी है, बाकी लोग हैं, और जो लोग बोल सकते हैं वो बोलेंगे। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा और अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ये सभी के लिए है कि हम लोगों को हर हालत में अपना चाहे समय निकालें, सुबह जाएं, अपना बाकी काम करें, ज्यादा समय लगता नहीं। और ये गुजारिश है लोगों से कि सुबह हमेशा पोलिंग स्टेशन खाली होते हैं, तो आप सुबह सुबह अपना आइए, अपना वोट कास्ट करिए और अपने काम पे चले जाइए या अपना अपना छुट्टी एंजॉय करिए। लेकिन उसके लिए आप दिन में जाएंगे तो लाइन में लगना पड़ेगा, इसलिए यही सबसे एक गुजारिश है कि सुबह उठ के आप अपने टहलते हुए जाइए, अपना वोट डाल दीजिए, वोट डाल के वापस आ जाइए और अपने दिन भर का कार्य करिए। लेकिन कृपया करके वोट जरूर डालें, वोट जरूर डालें, ये जरूरी। हमारे शहीदों ने देश के लिए अपना जीवन दिया, हम देश के लिए दो घंटे एक दो घंटा देने कोई बड़ी बात नहीं है। हम स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र, स्वस्थ देश के लोकतंत्र राजधर्म हमारे लिए हो नहीं सकता, ये एक राष्ट्र पर्व है। आज के दिन जिला प्रशासन और आज वही ये खुला निमंत्रण दे रहा है। हम अधिक से अधिक संख्या में अपने मत का प्रयोग करें और करवाएं। राष्ट्र निर्माण में, प्रदेश निर्माण में युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए आप उत्साह और अपना मतदान दें। जिला प्रशासन, चुनाव आयोग आपको आमंत्रित कर रहा है, आपको निमंत्रण कर रहा है, परंतु आज के बाद निरंतर ये समाचार, ये जानकारी आप दूसरे मतदाता तक पहुँचाएंगे और उनको जागरूक करेंगे। आज मतदाता दिवस है और हम चाहेंगे मतदान के दिन तक ये निरंतर करता रहे और सभी मतदाताओं को जागरूक किया जाए। पहले मतदान जाने कभी मत पूरी, जाने
सादा गाने वाला ना दिवस 25 जनवरी 2012 के लिए बस सबको यही बताना है कि हम लोगों को अपना जितना जो चीज का है लास्ट में हमको सबको ये जरूरी है कि हम मतदान जरूर करें, वोट जरूर डालें। इसके लिए जैसे सबको बार बार बताया जाता है कि सुबह सुबह का समय हमेशा पोलिंग स्टेशन खाली रहता है, इसलिए सुबह जाके आप लोग अपना वोट डाल दीजिए। वोट डालने के बाद फिर अपने बाकी कार्य पे चले जाइए, या अपने उस दिन को आपको अगर छुट्टी मना रहे हैं, हॉलीडे मना रहे हैं, तो वो करिए, बट कृपया करके अपना वोट जरूर कास्ट करिए। ये इसके लिए मतदाताओं के लिए, सभी लोगों के लिए, हम लोग सब आपस एक शपथ लेंगे इसके लिए। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ये हमारे लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इस देश के लिए होगा। तो हमको सबको बस यही एक गुजारिश है कि हम लोगों को वोट डालना है, और आके जैसे बताया जा रहा है कि सुबह आइए, वोट डालिए और अपने काम पे निकल जाइए, तो ना तो लाइन में खड़े रहना पड़ेगा ना कुछ होगा। और कृपया करके सब वोट जरूर डालें। जागो मतदाता जागो, जागो मतदाता जागो। Gracias.
चल दिया वहां से हम लोग मूड करना बोल रहे हैं।
सीपी नगर पे ही यहाँ पुल पे ही पुल के नीचे खड़े लोग वहीं पे सीधे बोलते हैं यहाँ पे जी जी हाँ देखिए बस वाले जो हाँ हाँ बस ये कार्डबोर्ड वाला जो है आप इसके आगे से बहुत दूर है, बहुत दूर पड़ा है। बच्चों को तो आगे कर देंगे, अभी देखते हैं कितने आते हैं बच्चे सब। ये जीडीआईसी के बच्चे जो बैठे थोड़ा आगे हट सके, आप आगे हो जाएंगे और आगे हो जाएंगे, आगे हो जाएंगे आप। माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय पीडीओ साहब,
माननीय एसपी जेपी नगर और एसडीएम सदर श्री एमपी सिंह साहब से मैं निवेदन करता हूं कि वो डायस में यथास्थान ग्रहण करने की कृपा करें। इस पूरे कार्यक्रम को यह कार्यक्रम आत्मी गर्ल्स पीजी कॉलेज में सभी के सहयोग से संपन्न हो रहा है। मैं यहाँ की प्राचार्य डॉक्टर नौसिबा परवीन से निवेदन करूंगा कि वे भी अपना स्थान मंच पर ग्रहण करें। डॉक्टर नौसिबा परवीन, ईश्वर की कृपा के संपन्न नहीं हो सकता है, अतः सबसे पहले कार्यक्रम प्रारंभ करने से पूर्व हम नाते पाक के लिए बीएड की छात्रा गजाला सोबीन को मंच पर आहूत करते हैं। वे आए और नाते पाक से उस परमेश्वर को याद करें। सुश्री गजाला सोबीन, दुनिया में नहीं कुछ भी हंसी तेरी बराबर है, कितने कष्ट से बाकी अगर बच्चे तो सल बना के भेजते हैं। विधानसभा क्षेत्रों में से मात्र 14 विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे
जहाँ जीतने वाले उम्मीदवार को 50% या इससे अधिक मत मिले, यानी 389 विधानसभा क्षेत्र रहते थे जिसमें जीतने वाले उम्मीदवारों को अपने विधानसभा क्षेत्र का अल्पमत मिला, यानी आधे से भी कम। तथा वे अपने विधानसभा क्षेत्र का अल्पमत पाकर भी विधानसभा में पहुंच गए। दोस्तों, निर्वाचकों में से मात्र 40-50% ही मतदान में भाग लेते हैं तथा मतदान क्षेत्र के कुल वोटों का 10-20% आजकल उम्मीदवार चुनाव जीत जाते हैं, किंतु वे लोग जो सही मायने में सही अर्थों में जनतांत्रिक प्रतिनिधित्व के पक्षधर हैं, इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए कानून आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के कार्यक्रम में भाग लेने स्टाफ, स्टूडेंट और जनपद के विभिन्न जो मतदाताओं को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मतदाताओं के नाम समर्पित है। निश्चित रूप से यह अपने में एक मोटिवेशनल फोर्स लिए हुए है, मात्र इसका उद्देश्य मतदाताओं को जागरूक करना और उनको प्रेरित करना है कि वो जागरूक हों, अपने इस अधिकार को समझें और इस अधिकार का जब समझेंगे तो निश्चित रूप से इसका प्रयोग करेंगे। आज का यह दौर जो इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक विकसित स्वरूप 21वीं शताब्दी में परिलक्षित होना चाहिए, उसके लिए ये समग्र प्रयास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा चुनाव की संवेदनशीलता, पारदर्शिता, पूरी ट्रांसपेरेंसी हो और हर नागरिक अपने मतदान का प्रयोग कर इस डेमोक्रेटिक सिस्टम को एक मजबूती दे और अपने पार्टिसिपेशन को इसमें फुली कंट्रीब्यूट करे, ये इसका अविष्ट है, ये इसका लक्ष्य है। और पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो 1951 है, जो सारे प्रोविजंस वोटर्स के लिए दिए गए हैं, उसका आज के इस पूरे कार्यक्रम का सार है। हम आप इसमें भाग लेकर स्वयं अपने परिवार को, आसपास के लोगों को, जिनको भी मोटिवेट कर सकें और उनको आगे लाकर मतदान केंद्रों पर उनके द्वारा मताधिकार का प्रयोग किया जाए, मैं समझता हूं कि ये आपका योगदान होगा। हालांकि आज के मोस्टली स्पीकर अब तक जो बोले बच्चों ने ही भाग लिया, शायद वो 18 साल की उम्र के अभी नहीं है, लेकिन कहा कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, तो जो वोटर्स हैं ये बच्चे ही उनके प्रेरणा स्रोत बने और इनकी वाणी में जो वो था, जो मोटिवेशनल फोर्स था, जो एक डेमोक्रेसी के प्रति कमिटमेंट था, जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट को आप लोगों ने कवर किया, जब मतदाता जागरूक होकर अपने मतदान का प्रयोग करेगा, निश्चित रूप से ये एक रिजल्ट ओरिएंटेड प्रयास होगा और उसके लिए सभी साधुवाद के पात्र हैं और सभी को धन्यवाद। मैं जिलाधिकारी महोदय आज की जो मतदाता की शपथ है वो दिलाएंगे जिलाधिकारी महोदय से कि आज के इस अवसर पर, मतदान दिवस पर शपथ कराएंगे सभी लोगों को। मैं आप लोगों ने सबकी बात सुन ली, बच्चों ने यहाँ बहुत अच्छा बोला और ये जैसे कि बात ने एसी साहब ने भी कहा कि चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, ये बात बिल्कुल सही है। आप लोग ये जो चीज हम अभी और शपथ लेने जा रहे हैं, आप लोगों के विचार सुन के लगता है कि आप लोग वैसे काफी जागृत है। आपसे ये अपील करते हैं कि आपके घर में आपके रिलेटिव, आपके पिताजी, आपके घर में जितने बाकी एल्डर मेंबर्स हैं उनको जरूर इस चीज के बारे में बताएं। तो इसके लिए बस मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, तो बस इसके बाद हम लोग एक शपथ बोलेंगे, आप सब लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाइए सब लोग। मैं जो बोलूंगा उसको लोग एक बार में बोलेंगे। मैं शपथ को, छोटी सी शपथ है कि क्या वोट डालने गए कि नहीं गए, तो ये आप लोग जरूर इस चीज पर इंश्योर कराइए। जन जय। ये सब बच्चे बैठ जाइए, अभी ऐसे नहीं जाएंगे, बैठ जाइए अपने अपनी जगह पर बैठ जाइए, अगर जहाँ तुम पढ़ाई रखिएगा। बूढ़े लोग भी चारपाई पर ले जाते हैं जी, वो भी है। एक बच्चे ने वो भी बनाया, बच्चे ने बनाया।
पहले सुबह सुबह पोलिंग स्टेशन खाली भी रहते हैं, लोग सुबह आके अपना कर रहे हैं, थोड़ा दिन भर खाली हो जाता है, बाद में आएंगे तो पूरा उसमें दिन का समय भी चलो हो गया। बहुत जरूरी है कि लाइब्रेरी अच्छी होनी चाहिए।